बरसा शीश हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। इस जहां के रूप निशाने, कर देती है तुझसे पराए। इस जहां के रूप निशाने, कर देती है तुझसे पराए। छोड़ना कभी प्रभु हम है अकेले, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। तेरी इच्छा हमको बतला जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। तेरी इच्छा हमको बतला जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। अब ना चाहे हमें, हम हैं तेरे, तेरी महिमा गाने। तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। थैंक यू अंकल। मी मराठी मध्ये गाणं म्हणणार आहे। विशेष करून हे जे गाणं आहे याच्याबद्दल मला जरा एक दोन मिनिटं सांगायचं आहे की यशायाच्या 54 अध्यायामध्ये, दॅट इज आयझाया चॅप्टर 54 अँड वर्स 16 मध्ये असं म्हटलंय, पहा लोहार विस्तो फुंकून आपल्या कामाला पाहिजे तसे हत्यार घडितो, त्याला मी उत्पन्न केले आहे विध्वंस करण्यासाठी, विध्वंस काही मी उत्पन्न केला आहे। मी ह्याच्यावरती विचार करत होतो, देवाने ज्या वेळेला हा यशाया लिहित होता त्यावेळेला हत्यार म्हणजे कसली तलवार, खुरपी आणि चाकू, भाला असे असतील, पण आता ह्या इस्रायल लोकांना ह्या युगामध्ये हाच लोहार आता एकदम मॉडर्न झालेला आहे। आता तुम्ही ऐकलं असेल की जे निरा लांबून लांबून बॉम्ब टाकण्याची, बरेच लांब 20,000 किलोमीटर अशा अशा पद्धतीने त्यांचं ते चाललेलं आहे। आता तुम्ही ऐकलं असेल की युद्ध चाललेलं आहे त्यावेळेला हे मिसाईल्स येत असतात, हे मिसाईल अडवण्यासाठी काय झालेलं आयर्न डोम वापरत आहेत। हे सगळं काय हे नवीन झालेलं आहे। प्रभू म्हणत आहे माझी नवीन काय होणार आहे, यरुश्लेम मी आणणार आहे, त्याच्यासाठी हे गाणं आहे। कदाचित तुम्ही ऐकलं असेल, तुम्हाला माहित असेल, पण हे गाणं जरा असं मी म्हणून दाखवत आहे की आमच्या देवाकडे सगळ्या प्रकारची शक्ती आहे, त्यावेळा जी शक्ती त्याच्यावर अधिक पण आणि अधिक लोकांच्या कडे त्यांना मार देण्यासाठी, नवीन करण्यासाठी त्याच्याकडे शक्ती आहे। देवाच्या दृष्टीने नेमलेला लोहार विस्तव फुंकितो आणि हवे ते हत्यार घडितो। देवाच्या दृष्टीने नेमलेला लोहार विस्तव फुंकितो आणि हवे ते हत्यार घडितो।
त्या रचनाशासाठी नाश कही नेमलाय त्या रचनाशासाठी नाश कही नेमलाय नाश कही नेमलाय नाश कही नेमलाय देवाच्या दृष्टीने नेमलेला लोहार विस्तव फुंकी तो आणि हवे ते हत्यार घडी तुझ्यासाठी घडिलेले कोणतेही हत्यार तुझ्यासाठी घडिलेले कोणतेही हत्यार ते तुझ्यावर चालणार नाहीत चालणार नाहीत चालणार नाहीत ते तुझ्यावर चालणार नाहीत चालणार नाहीत चालणार नाहीत देवाच्या दृष्टीने नेमलेला लोहार विस्तव फुंकीतो आणि हवे ते हत्यार घडीतो तुझ्यावर आरोप ठेवणार सर्व जीवा तुझ्यावर आरोप ठेवणार सर्व जीवा दोषी ठरतील दोषी ठरतील दोषी ठरतील तुझ्यावर आरोप ठेवणार सर्व जीवा तुझ्यावर आरोप ठेवणार सर्व जीवा दोषी ठरतील दोषी ठरतील दोषी ठरतील देवाच्या दृष्टीने नेमलेला लोहार विस्तव फुंकीतो आणि हवे ते हत्यार घडीतो देवाच्या सेवकाचे हेच वचन आहे देवाच्या सेवकाचे हेच वचन आहे हीच धार्मिकता आहे हीच धार्मिकता आहे हीच धार्मिकता आहे देवाच्या दृष्टीने नेमलेला लोहार विस्तव फुंकीतो आणि हवे ते हत्यार घडीतो थँक यू ब्रदर थँक यू व्हेरी मच ऐकल्याबद्दल आता पुढचा वेळ आम्ही सर्व आमचे बंधू डेव्हिड यांच्या हातात देत आहोत आणि ते आता इथून पुढे घेतील थँक यू व्हेरी मच ब्रदर यस थैंक यू ब्रदर सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अवसर जो प्रभु ने फिर एक बार हम सबको दिया ताकि उसके चरणों के पास आकर उसके वचन के ऊपर थोड़े समय के लिए हम अध्ययन कर सके विश्वासियों पिछले हफ्ते हमने देखा था दाऊद के डेविड्स म्यूजिशियन के ऊपर हमने मनन किया था आसाफ हेमान और यदुथुन ये बहुत ही ये सुंदर म्यूजिशियन उस समय थे और हमने देखा उनके बच्चों के बारे में देखा चार पिताओं के बारे में देखा चार पिता और उनके 24 पुत्र थे उनके बारे में देखा और सच में दाऊद ने इस पृथ्वी के ऊपर जो चित्र लाया था जो स्वर्ग में जो चित्र है वही चित्र इस पृथ्वी के ऊपर उस समय उसने लाया था अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट विश्वासियों जिस प्रकार पिछले हफ्ते मैंने कहा था अगर प्रभु की इच्छा रहेगी तो आज हम डेविड सन के बारे में देखेंगे कुछ दाऊद के पुत्र के बारे में देखेंगे शायद हम सब जानते हैं दाऊद का एक मेन इंपॉर्टेंट बेटा था या बेटा हमें बाइबल में दिखाई देता है उसका नाम सुलेमान हम सब जानते हैं अबशलोम ऐसे कई ऐसे पुत्र हैं जो शायद कलीसिया के अंदर हम जाते जानते हैं लेकिन विश्वासियों बाइबल में ऐसे भी उसके बेटे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम हम जानते हैं शायद कभी हमने पढ़ा भी नहीं रहेगा उसके बारे में उन बेटों के बारे में आज वही चित्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ये दाऊद के आखिरी के तीन बेटे आखिरी के लास्ट डेविड सन उसके बहुत सारे बेटे थे लेकिन आज मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो आखिरी के तीन बेटे बेटों के बारे में मैं रखना चाहता हूं मेरे लिए सेकंड सैमुएल उसका 5:10-16 पद एक छोटा सा पद यहां पर हमारे सामने है सेकंड सैमुएल 5:16
सेकंड सैमुअल 5:16 एलीशामा एलियादा और एलीपेलेट एलीशामा अलियादा एंड अलीपेलेट तीन बेटे हैं। अगर आप 13 से पढ़ोगे 13 वचन से अगर आप 16 तक पढ़ोगे ना यहाँ पर हमें दिखाई देता है ये बेटे जो थे ना ये दाऊद को हेब्रोन में हुए थे हेब्रोन में उसको दाऊद को ये बेटे हुए थे और ये वहां वहीं पर लिखा है ये आखिरी के बेटे थे उसके कौन है अलीशामा अलियादा और अलीपेलेट विश्वासियों ये तीन बेटे तीन बच्चों के बारे में आज आपके सामने रखना चाहता हूं डेविड्स लास्ट थ्री सन और सच में दाऊद ने उनके नाम उस प्रकार रखे क्योंकि ये जब ये तीन बच्चों के नाम उसने रखे ना उसने परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाया और परमेश्वर के जो गॉड्स एट्रीब्यूट परमेश्वर के जो गुण है इन बच्चों के अंदर या बच्चों के नाम के अंदर उसने लाया दाऊद ने और इन बच्चों के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कुछ क्षण में। सबसे पहले बेटे का नाम उसने रखा यानी थर्ड लास्ट अलीशामा 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 इस नाम का अर्थ गॉड हियर्स परमेश्वर सुनता है परमेश्वर सुनता है मराठी मध्ये देव ऐकतो। बाइबल के अनुसार अगर आप साम 55:17 पढ़ोगे वहां पर हमें दिखाई देता है दाऊद कितनी बार प्रार्थना करता था वहां पर दाऊद खुद कहता है मैं शाम को मैं सुबह और भोर दोपहर को मैं प्रार्थना करूंगा। इंग्लिश में लिखा है इवनिंग एंड मॉर्निंग एंड एट नून विल आई प्रे मैं तीन बार प्रार्थना करूंगा। दाऊद एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार वो प्रार्थना करता था लेकिन इस बेटे का नाम उसने क्या रखा God hears, यानी परमेश्वर सुनता है। जब जब ये बेटा उसके सामने आता था ना इस दाऊद को एक पूरा एक आनंद होता था एक विश्वास उसके जीवन में भरता था उसके जीवन में जो विश्वास है वो और ऊपर चला जाता था। क्यों मालूम है जब ये इसके बेटे को देखता था तब उसको पता चलता था जिस परमेश्वर के पास मैं प्रार्थना करता हूँ जिसकी मैं आराधना करता हूँ जिसके पास मैं जाकर मैं रोता हूँ मैं गिड़गिड़ाता हूँ वो परमेश्वर कौन है वो सुनने वाला परमेश्वर है वो सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल के अनुसार भले यहाँ पर दाऊद ने लगभग तीन बार प्रार्थना करने वाला दिखाई देता है लेकिन अगर आप साम 119:164 पढ़ोगे वर्स 164 पढ़ोगे ना वहां पर लिखा है 7 times a day डू आई प्रेज वो प्रार्थना तीन बार करता था लेकिन धन्यवाद कितनी बार देता था 7 बार दाऊद अपने जीवन में प्रतिदिन धन्यवाद देता था यानी प्रेइंग और प्रेजिंग ये दोनों चीज दाऊद के जीवन में लगभग दिन में 10 बार होती थी वो 3 बार प्रार्थना करता था और 7 बार वो धन्यवाद देता था। इतना बिजी व्यक्ति इसराइल का कितना बड़ा राजा एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति लेकिन फिर भी ये व्यक्ति हमें दिखाई देता है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इसीलिए उसने उस अपने बेटे का नाम अलीशामा रखा क्यों यानी परमेश्वर सुनता है। दाऊद ने अपने जीवन में कितनी बार परमेश्वर के पास प्रार्थना किया और जब जब वो प्रार्थना करता था परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता था। विश्वासियों कहां पर गया हमारा विश्वास कभी कभी हमारा विश्वास कम होता है क्यों कम होता है क्योंकि हमें थोड़ा डाउट आता है क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। अगर आप मीका उसका 7वां अध्याय 7वां वचन क्या लिखा है मीका 7:7 मीका 7:7 परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा हाँ मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा माय गॉड विल हियर मी। यहाँ पर इस वचन के अंदर तीन भाग तीन पार्ट हम डिवाइड कर सकते हैं इंग्लिश में लिख
हमारा फोकस कहां पर है, कौन किसके ऊपर हमारा फोकस है। जब पत्रस उस पानी के ऊपर या समुद्र के ऊपर जा रहा था, उसका फोकस यीशु के ऊपर था। जब यीशु के ऊपर उसका ध्यान था ना, तब तक वो समुद्र के ऊपर चल पा रहा था। एक समय आया, उसका फोकस यीशु से हट गया और उसका फोकस तूफान के ऊपर, आंधी के ऊपर हुआ, और उस समय वो पत्रस नीचे जाने लगा, नीचे डूबने लगा। हमारा फोकस कहां पर है? यहां पर लिखा, आई विल लुक अन टू द लॉर्ड। इस मीखा, यहां पर मीखा का फोकस कौन है? परमेश्वर, परमेश्वर उसका फोकस है। आज हमारा भी फोकस परमेश्वर ही चाहिए। दूसरी बात वहां पर लिखी है, आई विल वेट फॉर द गॉड ऑफ माई सल्वेशन। मैं बाट जोता रहूंगा। आप पेशेंस। जब जब हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा रुकना, कभी जल्दबाजी मत करना, हमेशा रुकना, आप फोकस, आप पेशेंस। और तीसरी बात यहां पर दिखाई देती है, माय गॉड विल हियर मी। हिज एट्रीब्यूट, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का एक गुण है, वो परमेश्वर कौन है? वो सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सुनने वाला है, यानी परमेश्वर कौन है? इसीलिए दाऊद ने अपने बेटे तीसरे थर्ड लास्ट बेटे का नाम रखा अलीशामा। गॉड हियर्स, यानी सुनने वाला परमेश्वर। इसीलिए विश्वासियों, इश्माइल इस नाम का अर्थ भी गॉड हियर्स, परमेश्वर सुनता है। और सच में उस समय उस जंगल में उस हगार की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। और बाद में अगर आप जेनेसिस 16:11 पढ़ोगे, वहां पर लिखा है द लॉर्ड हैथ हर्ड दाय अफ्लिक्शन। परमेश्वर ने तेरा जो रोना था, जो दुख था, वो सुना परमेश्वर ने। और आगे वही कह रही है, वर्स 13 अगर आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसको देखा, एंड गॉड हु हियर्स एंड गॉड हु सीज। ये परमेश्वर कौन है मालूम है? वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। क्या कभी हमें डाउट आता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है? सुनने के लिए क्या चीज चाहिए? एज लिमिट है? नहीं, बाइबल के अनुसार एज लिमिट नहीं होता है। हम सैमुएल के समान अगर छोटे बच्चे भी रहेंगे ना, तो भी हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। अगर तिमोथी के समान हम जवान भी रहेंगे, तो भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। अगर एफोफ्रास के समान अगर हम और थोड़ा और उम्र में रहेंगे, तो भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। साइमन के समान अगर हम बूढ़े भी रहेंगे, तो भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। दाऊद के समान अगर हम सुबह प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमारी सुनेगा। दानिल के समान अगर हम दोपहर को प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। इसाक के समान अगर हम शाम को प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमारी सुनेगा। पौल और सिलास के समान अगर हम मिड नाइट में प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमारी सुनेगा। पत्रिस के समान अगर हम मुसीबत के टाइम पे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे सुनेगा। अय्यूब के समान जब दुख में रहेंगे, मुसीबत के में रहेंगे, परमेश्वर हमारे सुनेगा। हगार के समान अगर हम कुछ जरूरत है जंगल में भी रहेंगे, परमेश्वर हमारे सुनेगा। इच्छा के समान अगर हम बीमार रहेंगे, अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे सुनेगा। अगर हन्ना के समान हमें कुछ परमेश्वर की ओर से दुख है, दुनिया में दुख है और कष्ट है, तो भी परमेश्वर हमारे सुनेगा। मूसा के समान चारों ओर से हम घेरे हुए, कभी परमेश्वर हमारी सुनेगा। योना के समान अगर कोई हमें छुड़ाने वाला नहीं है, अगर वहां से भी प्रार्थना करेगा, कभी परमेश्वर हमारी सुनेगा। स्टीफन के समान अगर मृत्यु के टाइम पे भी प्रार्थना करोगे, कभी परमेश्वर हमारी सुनेगा। यीशु के समान उस मृत्यु के टाइम पे भी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। छोटे हो या बड़े हो, सुबह हो, दोपहर को हो, शाम को हो, रात के समय हो, कौन से भी समय हो, कहीं से भी प्रार्थना करो, कौन से भी टाइम पे प्रार्थना करो। जिस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो कौन है? हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। विश्वासियों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा हथियार रशिया के पास नहीं है,
अमेरिका के पास नहीं है, भारत देश के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा हथियार किसके पास है मालूम है? हर एक जो विश्वासी है, फिर वो छोटे हो या बड़े हो, गरीब हो या अमीर हो, हर एक जो विश्वासी है ना उनके पास है। और सबसे बड़ा और पावरफुल वेपन कौन सा है? प्रार्थना। सबसे पावरफुल वेपन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वेपन है जो प्रार्थना करने के पहले भी परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करने के पहले भी परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। विश्वासियों, इतना परमेश्वर महान और अद्भुत कार्य करने वाला यह परमेश्वर है। अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल, जो फुटबॉल खेलते हैं, खेलते ही रहते, उनको आखिर में एक नाम मिलता है, फुटबॉलर। जो क्रिकेट खेलते ही रहते हैं, उनको क्या नाम मिलेगा? क्रिकेटर। जो बॉक्सिंग खेलते हैं, खेलते ही रहते हैं, उनको क्या नाम मिलेगा? बॉक्सर। क्यों मालूम है? आखिर में इतना खेलते आखिर वो खुद ही क्रिकेटर होते हैं, खुद ही फुटबॉलर होते हैं, खुद ही बॉक्सर होते हैं। अगर हम प्रार्थना करते ही रहेंगे, हम खुद ही कौन बनेंगे मालूम है? खुद ही प्रार्थना बनेंगे। विश्वासियों, इस पृथ्वी के ऊपर हमारे संदेश को रोक सकते हैं लोग। आज इस पृथ्वी के ऊपर कितने सारे लोग हैं जिन्होंने प्रचार को रोका है। आज इस पृथ्वी के ऊपर हमारा ट्रैक्स बांटना जो हम करते हैं ना, उसको लोग स्टॉप कर सकेंगे, हमारे गाने को भी स्टॉप कर सकेंगे लोग, हमारी आराधना को भी स्टॉप करेंगे, कलीसिया को भी बंद कर सकेंगे लोग, लेकिन एक चीज नहीं कर पाएंगे, वो है प्रार्थना। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो प्रार्थना को बंद कर पाएगा। यीशु मसीह जब उस सूली के ऊपर था, उसके चमत्कार दिखाई नहीं देते हमें, उसके प्रचार हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एक ही चीज वहां पर हमें दिखाई देती है, प्रार्थना। स्टीफन जब मरना था, उसका प्रचार बंद किया, लेकिन प्रार्थना बंद नहीं कर पाए। इसीलिए विश्वासियों, आज हमारा कर्तव्य बनता है इस पृथ्वी के ऊपर, दाऊद जिस प्रकार 3 बार प्रार्थना करता था, आज हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं? दाऊद 7 बार धन्यवाद देता था, आज हम कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? अगर आप शायद बाद में मार्क 1:35 पढ़ोगे, वहां पर लिखा है यीशु मसीह सुबह उठकर प्रार्थना करते हुए मिलेगा। मार्क 1:35 में लिखा है सुबह उसने प्रार्थना किया। अगर मैथ्यू 27:45-46 में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है यीशु मसीह उस सूली के ऊपर दोपहर के टाइम पे वो प्रार्थना कर रहे हैं, एली लमा सबक्तनी, दोपहर के टाइम पे उसने प्रार्थना किया। मत्ते 14:23 में, मैथ्यू 14:23 में यीशु मसीह ने शाम को प्रार्थना करने के लिए वो पहाड़ के ऊपर चला गया। और लूक उसका 6:12 में यीशु मसीह के बारे में दिखा है उसने पूरी रात भर प्रार्थना किया। यानी यीशु मसीह सुबह भी हमें प्रार्थना करते हुए मिलेगा, दोपहर के टाइम पे भी हमें प्रार्थना करते हुए मिलेगा, शाम के टाइम पे भी वो प्रार्थना करते हुए मिलेगा, और पूरी रात भी वो प्रार्थना करते हुए मिलेगा। इस पृथ्वी के ऊपर जितना हम प्रार्थना करेंगे, उतना हम अधिक पावरफुल होते जाएंगे। प्रेयर मेक्स अस पावरफुल, लेकिन ये कभी कभी हमें शक्ति, ये उसका सामर्थ्य हम इतना लाइटली लेते हैं प्रार्थना, लेकिन विश्वासियों, हमेशा प्रार्थना ये सबसे बड़ा हथियार है, और ये प्रार्थना हमारे जीवन में हमें और बढ़ाएगा। इसीलिए विश्वासियों, यीशु मसीह जब गैसमनी बाग में था, गैसमनी बाग में जब आखिरी रात वो मैं प्रार्थना कर रहा था, तब 3 चीज उसमें से निकली बाहर। सबसे पहली बात,
अगर यीशु मसीह का मुंह देखोगे ना, Matthew 26:36 से लेकर 45 तक यीशु मसीह के मुंह से प्रार्थना निकल रही थी, प्रार्थना निकल रही थी। दूसरी बात, अगर Hebrews 5:7 पढ़ोगे, वहां पर लिखा है यीशु मसीह की आंखों से आंसू टपक रहे थे। जीसस वॉज प्रेइंग, जीसस वॉज वीपिंग। और Luke 22:44 पढ़ोगे, वहां पर लिखा है यीशु मसीह का शरीर में से पसीना भी निकल रहा था। एंड जीसस वॉज स्वेटिंग, जीसस वॉज प्रेइंग, जीसस वॉज वीपिंग एंड जीसस वॉज स्वेटिंग। ये तीन चीजें उस गेस्सेमनी बाग में जो हो रहे थे। आज हमारे जीवन में हम किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना को कई लोगों ने आज सेकेंडरी प्लेस दिया है। यीशु मसीह को जीवन में देखोगे ना, प्रार्थना के बारे में हमेशा जब जब उसके पास या उसके सामने हजारों लोग रहते थे ना, उसकी यीशु मसीह की प्रार्थना हमेशा एकदम छोटी रहती थी। हजारों लोगों के सामने यीशु मसीह हमेशा छोटी प्रार्थना करता था। जब उसके सामने थोड़े से लोग रह गए या उसके चेले रह गए, उसकी यीशु मसीह की प्रार्थना थोड़ी सी बढ़ती थी, थोड़ी प्रार्थना उसकी और बड़ी हो जाती थी। लेकिन अगर यीशु मसीह अकेला रहता था, यीशु मसीह की प्रार्थना बड़ी होती थी। और कभी कभी तो यीशु मसीह पूरी रात भर प्रार्थना करता था, यानी हजारों लोगों के सामने यीशु मसीह की प्रार्थना सबसे छोटी प्रार्थना, कई छोटे से ग्रुप के सामने यीशु मसीह की प्रार्थना थोड़ी बड़ी, और जब यीशु मसीह अकेला रहता था तब उसकी प्रार्थना एकदम बड़ी। हम उल्टा करते हैं। हजारों लोगों के सामने हमारी प्रार्थना कैसी होती है? हे बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थना, छोटे से ग्रुप के सामने हमारी प्रार्थना कम होती है। और जब कोई नहीं देखता है, जब हम अकेले रहते हैं, मालूम भी नहीं हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं। यीशु मसीह अकेला था तब उसकी प्रार्थना पूरी रात भर रहती थी। विश्वासियों, दाऊद के जीवन में जब जब वो छोटा बच्चा आता था, अलीशामा ऊपर देखता था और कहता था, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, माय गॉड विल हियर मी, गॉड हियर्स। इसीलिए विश्वासियों, हमेशा एक पूरी विश्वास के साथ हमेशा प्रार्थना करो कि जिस परमेश्वर के पास मैं जाता हो वो जीवित परमेश्वर है, और वो मेरे प्रार्थना करने के पहले वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारे सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए विश्वासियों, इसीलिए इसने थर्ड लास्ट बच्चों का बेटे का नाम उसने अलीशामा रखा। सेकंड लास्ट बेटा, उसी वचन में लिखा है, सेकंड लास्ट बेटे का नाम उसने अलियादा रखा। अलियादा इस नाम का अर्थ गॉड नोज, परमेश्वर जानता है। क्या जानता है? दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था ना, उसके जीवन में उसने एक बार पाप किया, उस बेतशेबे के साथ पाप किया। पाप करने के बाद में उसने पाप को छुपाया भी, लगभग एक साल छुपाया, और उसको समझा, उसको थोड़ा डाउट, उसको एक बार एक चीज लगा, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम। लेकिन वो उस समय भूल गया जिस परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा रखता है, जिस परमेश्वर के सामने विश्वासियों, जिस परमेश्वर के पास वो प्रार्थना करता है और आराधना करता है, वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। और एक साल के बाद में परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और दाऊद का जो पाप था ना वो प्रकट किया। ये दाऊद को लगा कि मुझे कुछ किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं मालूम, उसने छुपाने का कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका पाप वहां पर सिर्फ खोल के नहीं बताया, सिर्फ पूरे इसराइल लोगों को नहीं पता है, लेकिन पूरी दुनिया को, जो जो आज बाइबल पढ़ते हैं, जो जो दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं दाऊद ने क्या पाप किया। विश्वासियों, कभी कभी हम भूल जाते हैं
कि जिस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के पास हम जा, जानने वाला वो परमेश्वर है विश्वासियों। इसीलिए विश्वासियों इस पृथ्वी के ऊपर जो भी हम करें, फिर अच्छी चीज करें या बुरी चीज करें, हम अच्छा काम करें या पाप करें, कुछ भी करें, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। इसीलिए 2000 साल पहले जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर था, यीशु मसीह को मालूम था ये जो समारे जो जो स्त्री थी उसके कितने पति है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को मालूम था कौन से मछली के अंदर सिक्का मिलेगा। यीशु मसीह को मालूम था नथनील तू कहां पर बैठा है। इसलिए विश्वासियों अगर आप भजन संहिता साम 139 पढ़ोगे, पहले 5 वचन अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पर लगभग भजन संहिता ने 8 चीजें लिखी जो परमेश्वर जानता है। क्या जानता है वहां पर लिखा है, वो खुद भजन संहिता कह रहा है, मेरा बैठना जानने वाला है, मैं जहां पर बैठता हूं वो परमेश्वर जानता है, जब के कहां पर बैठा है, कौन से पेड़ के ऊपर बैठा है, ये यीशु मसीह को मालूम था। इसीलिए वो मेरा बैठना जानता है। दूसरी चीज परमेश्वर जानता है, मेरा उठना भी जानने वाला परमेश्वर है। तीसरी चीज वो मेरे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। जो हम सोचते हैं, हम कौन सी बात को सोचते हैं, वो सब परमेश्वर विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए दाऊद के विचारों को परमेश्वर ने जाना। एक बार दाऊद बैठा था और उसने मन में विचार किया, मैं यहां पर हूं और परमेश्वर का संदूक आज तंबू में है। उसी समय में परमेश्वर ने अपने दास को कहा, परमेश्वर ने कहा जो तेरे मन में है वो कह पूरा कर दे। और उसी दिन से दाऊद ने परमेश्वर का भवन शुरू करने के लिए उसने शुरू किया, और उसने सारी जो लगने वाली चीजें है उसको इकट्ठा करना उसी टाइम से शुरू किया। परमेश्वर हमारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। आगे वो दाऊद भजन संहिता कह रहा है, वो सारे मेरे रास्तों को भी जानने वाला परमेश्वर है। वो आगे और कह रहा है, जहां पर मैं लेटता हूं एंड मैं सोता हूं वो सारी चीजें परमेश्वर जानता है, मेरा लेटना भी वो जानता है। याकूब कहां पर सोया था वो परमेश्वर को मालूम था। इतना ही नहीं, हमारे सारे विचार, हमारे सारा मार्ग वो परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। इतना ही नहीं, हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को वो जानने वाला परमेश्वर है। गॉड नोस, ये परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो ऐसी एक भी चीज नहीं है जो शायद परमेश्वर नहीं जानता है। मेरे सर के ऊपर कितने बाल है परमेश्वर जानता है। इस पृथ्वी के ऊपर कितने मछलियां है वो परमेश्वर जानता है। इस पृथ्वी के ऊपर कितनी मिट्टी है ये परमेश्वर जानता है। आकाश में कितने तारे हैं ये इंसान ने कोशिश किया जानने के लिए लेकिन फेल हुए, लेकिन परमेश्वर जानता है। विश्वासियों इसीलिए परमेश्वर सब कुछ जानने वाला ये परमेश्वर है। हमारे अच्छी चीजें भी परमेश्वर जानता है, और जो चीजें हम बुरे करते हैं वो भी परमेश्वर जानने वाला ये परमेश्वर है। विश्वासियों इसीलिए इस पृथ्वी के ऊपर जब हम रहते हैं हमेशा परमेश्वर से डरो, क्योंकि ये परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। मुझे मालूम है, मुझे एक बार कुछ साल के पहले मैं एक बार एक सिस्टर एक फैमिली ने प्रेयर करने के लिए बुलाया। एक घर में उन्होंने एक नया घर लिया था। कुछ दिन के बाद मैं वहां पर प्रेयर करने के लिए गया। जाने के बाद में मैंने देखा वो प्राइवेट घर था, यानी उन्होंने लोन के ऊपर लिया था। अच्छा घर था, लगभग शायद 2 BHK फ्लैट था, अपार्टमेंट में था, बहुत ही सुंदर था। लेकिन मैं जाने के बाद में देखा ना, जो स्विचेस जो बटन थे ना, यानी इलेक्ट्रिक के जो फैन के बटन या ट्यूबलाइट के बटन, उसके ऊपर लिखा था इंडियन रेलवे। रेलवे कॉलोनी में नहीं रहते थे, जो कॉलोनी थी ना वो प्राइवेट थी, सोसाइटी थी, लेकिन बटन किसके थे? इंडियन रेलवे। कितने दुख की बात है विश्वासियों, किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसने देखा? परमेश्वर।
देखा, परमेश्वर जानता है। एक बार यीशु मसीह उस मंदिर के अंदर था, सब लोग आए और सब लोग ने उस ऑफरिंग बॉक्स में सबने डाला, कुछ ना कुछ डाला, लेकिन एक बूढ़ी औरत आई जो शायद विधवा थी, गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था, छोटा सा पीस में कुछ लपटा हुआ उसने निकाला और उसने जो दो जो जो दो सिक्के थे वो उसने डाल दिए। और उस समय में यीशु मसीह ने कहा, सबसे ज्यादा किसने डाले? इसी ने डाले, इसी ने डाले। प्रभु जानने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था उस औरत के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यीशु मसीह को मालूम था उस औरत के पास कुछ नहीं, उसने जो भी उसके पास था ना वो सब कुछ उसने उस ऑफरिंग बॉक्स में उसने डाल दिया। विश्वासियों, आज हमारे जीवन में हमारे पास क्या है, भले दुनिया नहीं जानती रहेगी, हमारे पास कितने पैसे हैं, भले दुनिया नहीं जानती रहेगी, लेकिन कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। दाऊद ने इसीलिए सेकंड लास्ट बेटे का नाम रखा अलियादा, यानी गॉड नोस। उसको समझा कि सच में परमेश्वर जानता है। विश्वासियों, आज हमारे पास क्या है और क्या नहीं, भले लोग नहीं जानते रहेंगे, भले कलीसिया के लोग नहीं जानते रहेंगे, भले शायद हमारे रिलेटिव नहीं जानते रहेंगे, लेकिन कौन जानने वाला? परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है हम किस प्रकार के किस प्रकार का काम करते हैं, वो कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। हम अच्छा काम करते या बुरा काम करते वो कौन जानता है? ये परमेश्वर जानता है। विश्वासियों, इसीलिए उसने सेकंड लास्ट बेटे का नाम उसने वहां पर अलियादा रखा, यानी गॉड नोस। लास्ट बेटे का नाम उसने रखा अलिप्लित, अलिप्लित। सेकंड सैमुएल 5:16 में लिखा है अलिप्लित, यानी गॉड डिलीवर्स, परमेश्वर छुड़ाता है। जब जब ये बेटे को दाऊद देखता था तब तब उस परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देता था। क्या धन्यवाद देता था? हे परमेश्वर, एक बार मैं उस गोलियत के सामने आया, लेकिन उस गोलियत से के हाथ में से परमेश्वर तूने मुझे छुड़ाया। गॉड डिलीवर्ड दाऊद को, परमेश्वर ने गोलियत के हाथ में से छुड़ाया। एक बार भालू से परमेश्वर ने दाऊद को छुड़ाया, एक बार शेर से दाऊद को परमेश्वर ने छुड़ाया, एक बार शाऊल से भी परमेश्वर ने छुड़ाया, उसका बेटा अब्शलम उसमें उसके हाथ से भी दाऊद को छुड़ाया, कितने सारे दूसरे दूसरे शत्रु उस दाऊद के पास आए, लेकिन परमेश्वर ने सब शत्रुओं से छुड़ाया। विश्वासियों, जिस परमेश्वर के पास दाऊद प्रार्थना करता था, जिस परमेश्वर को सब कुछ जानने वाला परमेश्वर था, वो दाऊद को मालूम था ये परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला भी परमेश्वर है। सच में एक बार इसाक उस वेदी के ऊपर मर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। नूह और परिवार को उसने छुड़ाया परमेश्वर ने। इसराइल लोग लगभग 400 साल गुलाम में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको डिलीवर किया। ये सारे इसराइल लोग उस जो इजिप्शियन आर्मी के पीछे आ रही थी, मरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको रेड सी डिवाइड करके उनको छुड़ाया। विश्वासियों, पर इस हनानिया मिशेल हजारिया वो आग में मरने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह वहां पर गया और यीशु मसीह ने उनको छुड़ाया। दानियल उस शेर के मुंह से परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और उस दूत ने उसको दानियल को छुड़ाया। पत्रस की सास मर रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको छुड़ाया। लाजरस मरा था, लेकिन प्रभु ने उसको बाहर निकाला। गॉड जीसस डिलीवर्ड हिम। वहां पर पत्रस डूब रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बचाया। पत्रस एक बार जेल में था, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने प्रभु ने अपना दूत भेजा
और उसको छुड़ाया। पाउल और सिलास को उसने छुड़ाया जेल में से। विश्वासियों, जिस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर कौन है? वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसने दानिय्येल को सिर से मुंह से छुड़ाया, एक व्यक्ति को छुड़ाया, उसने तीन लोगों को भी छुड़ाया अग्नि से, उसने आठ जन को भी छुड़ाया उस पानी से, नोआ और उसका परिवार, उसने बारह लोगों को भी छुड़ाया जो उसके चेले थे यीशु मसीह के, बारह जन को उस आंधी और तूफान और समुन्द्र से, उसने लगभग 276 जन को भी छुड़ाया जो रोम के जहाज के अंदर थे पौल के साथ। वही परमेश्वर ने लगभग 6.5 लाख को भी उसने छुड़ाया जो इसराइल लोग के फारो के गुलाम में थे। और विश्वासियों, वही परमेश्वर है जिसने अपना एक लौता बेटा दिया, इस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया 2000 साल पहले, और वो आज भी एक ही काम करता है, वो है छुड़ाने का, छुड़ाने का या बचाने का काम। यीशु मसीह कौन है? बचाने वाला। दाऊद को गोलियत से बचाया, दाऊद को शेर से बचाया, उस भालू से बचाया, उस शत्रुओं से बचाया। इसीलिए दाऊद कह सकता है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, वो मेरा चरवाहा है। विश्वासियों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एक ही याद आता है, यीशु मसीह कौन है? मेरा छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला। आज वही बचाने वाला आज भी है, लगभग पिछले 2000 साल से वही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सेव। इसलिए यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी के ऊपर किस उसका एक ही मकसद था, टू सर्व, टू सीक एंड टू सेव। तीन मकसद था। वो सेवा करने के लिए आया, वो ढूंढने के लिए आया था क्योंकि हम सब खोए हुए थे, और उसका तीसरा मकसद था वो बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए। लोग हमें, शायद हम अगर कर्जे में डूबे हैं वहां से हमें डिलीवर करेंगे, लोग शायद हमें जेल से भी बाहर निकालेंगे, लेकिन पाप से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। पाप से हमें कोई व्यक्ति नहीं हमें छुड़ा सकता है, पाप से सिर्फ यीशु मसीह हमें छुड़ा सकता है। इसीलिए विश्वासियों, जक कितने गंदे काम में अटका हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको छुड़ाया। छुड़ाने वाला यीशु मसीह कौन है? वो छुड़ाने वाला आज हमारे, आज भी यीशु मसीह है। मुझे याद है कुछ साल के पहले हमारे कलीसिया में एक औरत है, और वो औरत हमेशा बाइबल स्टडी को आती थी वेनेसडे को, और बाइबल स्टडी होने के बाद में चले गए, और दादर के बाद में जहां पर हम रहते हैं हमारी कलीसिया है, उसके बाद का एक स्टॉप है, वहां पर उतरी और एक जगह पे प्रेयर करने को गई, और वापस रेलवे स्टेशन पे आई। उसको थोड़ी भूख लगी, और भूख लगी इसलिए वो बाहर निकली, और वहां पर उसने कुछ खाना लिया, और उसी समय में बड़ा ब्लास्ट हुआ प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पर वो खड़ी थी वहां पर ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। यीशु मसीह ने उसको बचाया, बस 5 मिनट का डिफरेंस। वो बाहर निकली, खाना उसने और कुछ ऑर्डर किया, कुछ स्नैक्स, और खा रही थी, और बड़ा ब्लास्ट हुआ, और लाइन से बॉम्बे में उस समय शायद मुझे लग रहा है 12-13 साल हुए रहेंगे, लाइन से ब्लास्ट हुए बॉम्बे में, प्रभु ने उसको बचाया। आज उसमें से प्रभु बचाने वाला, लेकिन पाप से या नरक से बचाने वाला कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। आज हमारा एक ही काम बनता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? वही बचाने वाला प्रभु है। वो हमें इस पृथ्वी के ऊपर, कभी कभी हमें इस पृथ्वी के ऊपर कितने सारे आज भी लोग हैं जो शायद बीमार थे, प्रभु के लोग आज बीमार थे, कोरोना वायरस से बीमार हुए और मर भी गए। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी नहीं, ऐसा नहीं, वो सुनता है, लेकिन इच्छा उसकी होने दे, उसकी महिमा के लिए जो भी करता है उसकी महिमा के लिए वो करने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक पूरा विश्वास है, जिस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं वो प्रार्थना सुनेगा। अगर नहीं भी सुना तो भी मुझे मालूम है जो भी वो करेगा वो उसकी महिमा के लिए करेगा, और हमारी भलाई के लिए वो करने वाला
वो परमेश्वर है। इसलिए विश्वासियों, वो परमेश्वर कौन है? गॉड हियर्स, गॉड नोस एंड गॉड डिलीवर्स, परमेश्वर छुड़ाने वाला। ये तीन नाम दाऊद ने अपने आखिरी के तीन बेटों को दिए, लेकिन एक चीज कॉमन दिखाई देती यहां पर, ये वचन, छोटा सा वचन जो हमने पढ़ा, उस वचन के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या मालूम है? अलीशामा, अलियादा और अलिब्लित, एक चीज कॉमन मिलेगा आपको, एल 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 ई एल आई ई एल आई ई एल आई इंग्लिश में लिखा है, ई एल आई ने गॉड, गॉड हियर्स, गॉड नोस एंड गॉड डिलीवर्स, इज अ हियरिंग गॉड, नोइंग गॉड एंड डिलीवरिंग गॉड। दाऊद ने क्या किया मालूम है? एल 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 गॉड गॉड गॉड, ये हमें क्या चित्र बताई देता है? कितनी भी मुसीबतें दाऊद के जीवन में हो, कितनी भी परिस्थिति दाऊद की नीचे क्यों ना जाए, नीचे जब वो दाऊद चरवाहा था तब हो या दाऊद जब राजा बना तब हो, कौन सी भी परिस्थिति में हो, दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा फर्स्ट प्लेस दिया। एल 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 अलीशामा, अलियादा और अलिप्लेत, पहला एल 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 गॉड पहला। हमारे जीवन में कभी कभी हम पहला स्थान खुद को देते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में हम पहला स्थान पैसे को देते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में हम पहला स्थान जॉब को देते हैं, कभी कभी हम पहला स्थान हमारा जो डायरेक्टर या मैनेजर रहता है उनको देते हैं, कभी कभी हम पहला स्थान दुनिया को देते हैं। कभी ना करना, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना, परमेश्वर को देना, गॉड फर्स्ट। इसीलिए सबसे बड़ा आनंद किसमें? जॉय, जे ओ वाई, जॉय जॉय, जे ओ वाई वाई, जीसस फर्स्ट। हमेशा प्रभु को पहला स्थान देना, हमेशा यीशु मसीह को पहला स्थान देना अपने जीवन में, उठने के बाद में, शायद नहाने के बाद में, पहला स्थान प्रभु को देना, उसका बाइबल खोलना, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना और उसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करना, बाद में दूसरा सेकेंडरी जो दुनिया जो जॉब रहेगा वो करना, पहला स्थान प्रभु को हमेशा देना। ओ ओ एने अदर्स सेकंड, दूसरों को दूसरा स्थान देना, अदर सेकंड, जे जीसस फर्स्ट, ओ अदर्स सेकंड, अदर्स सेकंड, और वाई को, वाई ने योरसेल्फ, योरसेल्फ लास्ट, जे ओ वाई जॉय, उसके अंदर सबसे बड़ा आनंद ही है। मैंने कीप जीसस फर्स्ट, अदर्स सेकंड एंड योरसेल्फ लास्ट, इसके अंदर सबसे बड़ा आनंद है। इसीलिए यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मत्ते छठवां अध्याय और वर्स 33 में कहा है, बट सीक ये फर्स्ट किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड, सबसे पहला उसके राज्य की, उसकी बादशाह की तलाश करो। विश्वासियों, हम किसके पीछे आज सबसे पहले लगे हैं? अगर आप बाद में हक गए उसका पहला अध्याय पहले 5 वचन अगर आप पढ़ोगे ना, उस समय के जो लोग, उन लोगों ने, उन्होंने परमेश्वर को लास्ट स्थान दिया था, उन्होंने दूसरी चीजों को, सारी चीजों को पहला स्थान लिया था। इसीलिए यीशु वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत ज्यादा चीजें हम सो करते हैं, लेकिन बहुत ही जो उगता है कम आता है। तुम खाते बहुत हो लेकिन फिर भी वो इनाफ नहीं रहता है, हम पीते तो हैं लेकिन फिर भी तृप्त नहीं रहते हैं, हम कपड़े तो डालते हैं लेकिन फिर भी गर्मी नहीं आती है। जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम कमाते हैं, हम ऐसी थैली में डालते हैं जो जिस थैली को खोले,
जो भी हम कमाते हैं वो सब चला जा रहे हैं, जो भी हम कमाते हैं वो सब निकल जा रहे हैं, दूसरी ओर से निकल जा रहे हैं। क्यों? कि हमने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। पहला स्थान नहीं देने के कारण जो भी हम करेंगे, जो भी हम पहनेंगे, जो भी हम इस पृथ्वी के ऊपर कमाएंगे, सब चला जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमने प्रथम स्थान नहीं दिया। लेकिन अगर हमने हमारे जीवन में अगर परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाले रहेंगे, सच में परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। और आप खुद देखोगे किस रीति से परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम कर रहा है और हमारे जीवन में एक अद्भुत टेस्टिमनी रहेगी। इसलिए दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर को कितना बड़ा स्थान दिया। हमेशा दाऊद ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और इसीलिए दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, कितना ऊंचा स्थान दिया परमेश्वर। अगर आप नए नियम खोलोगे, शुरुआत में वहां पर लिखा है यीशु मसीह जो अब्राहम का पुत्र, जो दाऊद का पुत्र है। नए नियम की शुरुआत में ही अब्राहम के बाद में दाऊद का भी नाम आता है। इतना ही नहीं है, दाऊद का नाम पूरे इसराइल देश में कितना टॉप लिस्ट के ऊपर है इसराइल देश में। इतना ही नहीं है, दाऊद का नाम मुस्लिम लोगों के अंदर भी टॉप के ऊपर है, यहूदी लोगों के अंदर, मुस्लिम के अंदर और क्रिश्चियन लोग के अंदर दाऊद का नाम कितना टॉप के ऊपर है। इतना ही नहीं है, अगर इसराइल का फ्लैग अगर आप देखोगे, इसराइल का फ्लैग उसके ऊपर स्टार, एक स्टार, वो क्या सिंबलाइज करता है? द स्टार ऑफ डेविड, स्टार ऑफ डेविड। विश्वासियों, परमेश्वर ने दाऊद को कितना ऊंचा किया। क्यों? कि दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा स्थान, सबसे पहला स्थान दिया। भले दाऊद बीच में गलतियां किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को इतना ऊंचा किया। और एक दिन आएगा जब यीशु मसीह के राज्य के टाइम पे 1000 साल का इस पृथ्वी के ऊपर राज्य रहेगा, तब वहां पर दाऊद को उस समय भी, उस राज्य के अंदर भी दाऊद को उच्च स्थान रहने वाला है। विश्वासियों, इसलिए दाऊद ने अपने आखिरी 3 बेटों का नाम इस प्रकार उसने रखा, अलीशामा, अलियादा और अलीपलित। गॉड हियर्स, गॉड नोस एंड गॉड डिलीवर्स। और दाऊद ने परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे ऊंचा और पहला स्थान दिया। आज भी हम पाप में हैं, आज भी अगर हम कोई पाप में रहेगा तो यीशु मसीह है हमें पाप से छुटकारा देने के लिए। वो आज भी है, वो डिलीवरर है, वो छुड़ाने वाला है, वो सेवियर है, बचाने वाला है। और हमें आज वो नरक आने वाले दिनों में अगर हमने ऐसे ही विश्वास नहीं किया, अगर हम अब तक हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, अब तक हमने पापों का अंगीकार नहीं किया, शायद मरने के बाद में हम नरक में जाएंगे। लेकिन यीशु उस नरक में से बचाने के लिए आज यीशु तैयार है। और बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एक छोटा सा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखना चाहिए। यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मेरे पापों की क्षमा कर दे, मैं आज तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तू आज स्वर्ग में जीवित है और वापिस आने वाला है। जब तू आएगा तब मेरी याद कर। एक छोटा सा विश्वास मुंह से कबूल करना और अपने हृदय में, अपने मन में उसको स्वीकार करना। यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा और भले मृत्यु आएगा, भले बीमारी आएगा, लेकिन हमें उस अनंत काल के मृत्यु से, अनंत काल के नरक से यीशु मसीह हमें छुड़ाएगा और हमें उसके साथ, उसके संग हमेशा के लिए रहेगा। इसे आने वाले दिनों में, पिछले टाइम हमने जिस प्रकार 3 म्यूजिशियन के बारे में देखा, आज हमने डेविड सन के बारे में देखा और उसके आखिरी 3 बेटे अलीशामा, अलियादा और अलीपलित। और प्रभु करे इन वचनों के ऊपर अपनी आशीष दे और आप सबको इस आखिरी के समय में उसके वचन के अंदर बढ़ने के लिए सहायता करें, मदद करें। प्रभु करे आप सबको आशीष दे। थैंक यू ब्रदर।